स्वागत है आप सबका मौर के YouTube चैनल पे। तो आज का दिन बहुत ही सुहाना, बहुत ही आशीर्वाद से भरा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो आप तमाम रीट अभ्यर्थों से के लिए जो हमारे दिल से ये दुआ निकल रही है, ईश्वर से मेरा यही प्रार्थना है कि अगली बार जो है ये गुरु पूर्णिमा जो है आप अपने स्कूल में मनाएं, जहाँ आपके बहुत सारे स्टूडेंट हों जो आपको चाहने वाले हों और आपको वो गर्व से कह सकें हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। तो देखिए, अभी जो रीट का जो अंतिम लास्ट 9-8 डेज है, ये बड़ा कठिन होता है। देखिए, आपने पढ़ाई अच्छी की है, आपने पढ़ाई बहुत अच्छा किया है, पढ़ना एक बात है और इसी पढ़ाई को वहाँ रीट के एग्ज़ाम में परफॉर्म करना एक अलग बात है ना। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो दिन रात पढ़ते रहते हैं पता नहीं ऐसा क्या होता है जो लास्ट टाइम वो परफॉर्म नहीं कर पाते और एग्ज़ाम बिगड़ जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं नॉर्मल रहते हैं, ईजिली रहते हैं, हाँ पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, रिविज़न करते रहते हैं और बिल्कुल वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, है ना, और उनका सिलेक्शन श्योर होता है ना। तो आखिर हमारा माइंडसेट क्या हो, जो ये लास्ट 9-8 डेज बचे हैं इसमें हमारा माइंडसेट क्या हो रीट एग्ज़ाम को लेकर के, आज हम इस पे आपसे बात करने वाले हैं, है ना। तो चलिए, अपनी बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, किन किन चीज़ों का आपको अपने जहन में रखना है। आइए आपसे बात करते हैं। देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, देखिए कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। देखिए फिल्टर लगा हुआ है ना, और इसका अपना एक दायरा है ना, और कुछ फिल्टर होकर देखिए सबका एग्ज़ाम तो निकलेगा नहीं, सारे लोग तो पास होंगे नहीं, ये तो रियलिटी है, हार्ड है। तो देखिए ये सारे अभ्यर्थी हैं जितने लोगों ने एग्ज़ाम देना है उनको, और यहाँ एक फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक दायरा है ना, और उस दायरे से जो पास होगा उसका यहाँ सिलेक्शन होगा, है ना। तो कुछ एक दायरा है जिससे वो पास होगा और वो जो है यहाँ पर उसका सिलेक्शन होना है। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम बिल्कुल ऐसे फिल्टर की तरह होता है। तो अब जो है हमने पढ़ाई तो कर ली है, आखिर मुझे इस दायरे से उस कण को जो है निकलना है और यहाँ आना है, तो हम कैसे आएंगे, है ना। आइए इस पे बात करते हैं। तो ये तो मैंने आपसे बात कर ली कि गवर्नमेंट एग्जाम क्या है, गवर्नमेंट क्या, अब आप क्या है ये मैं आपसे बात करने वाली हूँ, आप क्या चीज है। देखिए ये देखिए लिमिट्स, आपकी कोई लिमिट्स नहीं है, है ना। ये जो टाइम है ये टाइम में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, बी कॉन्फिडेंट। जितनी भी निगेटिविटी है सबसे दूर रहिए, सबसे बचिए, सारे निगेटिविटी को बोलिए बाय, गुड बाय, बाद में मिलूंगा तुमसे, मैं रीट एग्जाम के बाद में तुमसे मिलूंगा, क्योंकि आपकी लिमिट्स बिल्कुल अनलिमिटेड है। आप में जितना दम है, जितना साहस है, इसको मैं क्या बताऊं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपने जहां भी पढ़ा है, जिस कोचिंग में पढ़ा है, जिस टीचर से आपने पढ़ा है, वो आपके ईश्वर है, वो आपके भगवान है, उन्होंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है, डेट इज एनफ फॉर यू। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम जो है कोई एलियन पेपर सेट करेगा और कोई साथ में आसमान से वो क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो पढ़ा है डेट इज एनफ फॉर यू, बी कॉन्फिडेंट फॉर डैट। तो बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है, जो आपके अंदर साहस है ना, जो जिगरा है आपका ना, ये बिल्कुल फौलाद का होना चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना, तू साही है ना, परवाज है काम तेरा, तू साही है, परवाज है काम तेरा, तू साही है, तेरे लिए आसमां और भी है, तू साही है। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, है ना। तो आपके अंदर इतनी फौलाद होनी चाहिए कि ऊपर वाला जो खुदा है वो खुद आकर के आपसे पूछे कि बोल मैं तेरे तकदीर में क्या लिख दूं, इतना होना चाहिए। तो रीट की एग्जाम कौन सी चीज है, राइट। तो बिल्कुल आपका कोई लिमिट नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, यू विल क्रैक द एग्जाम, यू विल गेट द सिलेक्शन एनी हाउ। देखिए आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट चीज है जो आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज का, वो है फोकस। बिल्कुल फोकस्ड रहिए, बी फोकस्ड, है ना। देखिए आपने देखा होगा घोड़ा को, देखा होगा ना, घोड़ा को क्या किया जाता है, आगे यूं ऐसे लगा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो फोकस रखे, बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और सबसे जो खराब चीज़ है वो मोबाइल फोन, आप कहते हैं ये फोन आना, ये मैसेज आना, इन सबसे बचिए। आपके जहन के वादियों में सिर्फ अभी एक ही चीज़ गुजरना चाहिए, रीट रीट रीट, राइट। तो बिल्कुल फोकस रहिए, आपने जो पढ़ा है उस पर एकदम ध्यान दीजिए, कोई नया चीज़ नहीं है आपको, जो आपने पढ़ा डेट इज एनफ फॉर यू, वही आपका भगवद गीता है, वही कुरान है, वही बाइबल है, वही सब कुछ है आपके, राइट। बिल्कुल फोकस रहना है आपको, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, राइट। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, फोकस हो गए आप, वेरी बेस्ट थिंग, रिवीजन,
रिवीजन, स्वाध्याय, रिवीजन करते रहना है आपको, रिवीजन करते रहना है। मतलब कुछ नया नहीं पढ़ना, लेकिन रिवीजन आपको करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि जब आप एग्जाम में वहाँ बैठेंगे ना, तो बिल्कुल जो कि क्वेश्चन होगा आपको ऐसा लगेगा अरे मेरी इस पेज पे ऐसा लिखा पड़ा था, वहाँ से इसका आंसर होगा। तो रिवीजन इज द बेस्ट थिंग। सो रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, रिवीजन करते रहिए उस चीज़ को, ताकि पूरा नोट्स जो है ना बिल्कुल बिल्कुल जो आपके मन मस्तिष्क में छा जाए, वहाँ से बिल्कुल हटे नहीं, राइट। देखिए नेक्स्ट थिंग, जो अगली चीज है वो ये है कि सेंट्रल थिंग ऑफ द नोट्स, आपने जो नोट्स बनाए होंगे जरूर उसको हाईलाइट किया होगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, एक लाइन से ही ना पूरा पेज आपके दिमाग में आ जाएगा। तो सेंट्रल थिंग्स जो है नोट्स का, जो मेन थिंग है नोट्स का, जो चीफ चीज है नोट्स का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने उसको अंडरलाइन किया होगा, तो उसको आप बिल्कुल बरकरार रखिए, उसको बार बार देखिए। जब आप उसको देखेंगे ना, तो बिल्कुल वो पूरे आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा इसमें पूरा क्या लिखा हुआ था, राइट। तो उसको आपको बिल्कुल रिवीजन भी करना है, और जो सेंट्रल थिंग है उसका बिल्कुल की नोट्स, जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए इस बात को, है ना। आपको जो है देखिए, चिंता से चतुराई घटे सुना होगा ना आपने, और दुख से घटे शरीर, ये आपने जरूर सुना होगा, है ना, और प्रेम से बुद्धि भ्रष्ट होए, ऐसा कह गए संत कबीर, आपने सुना होगा ऐसा, है ना। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चिंता नहीं करनी, सोचनी नहीं, कंपैरिजन नहीं करना है आपको किसी और से, है ना। आपका कोई राइवल है तो वो आप है, आपको कॉम्पिटिशन किसी से नहीं करना है, यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हैं। तो देखिए आपको बिल्कुल कंपेयर किसी से नहीं करना है, आप कंपैरिजन अगर किसी से किए तो आप दुखी हो जाएंगे, यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हैं। आपको करना है हैप्पी रहना, खुश रहना, है ना, बिल्कुल टेंशन एकदम नहीं लेना, है ना। क्योंकि अगर आप हैप्पी होते हैं, अगर आप खुश होते हैं, तो क्या होते हैं, आप बैलेंस होते हैं, और कोई भी चीज़ वही दुनिया में टिकती है, वही रह जाती है जो क्या होती है, बैलेंस होती है। अगर वो इम्बैलेंस है तो बिल्कुल सर्वनाश हो जाता है। इसलिए बैलेंस कैसे आता है, आपके खुश रहने से। एक दुखी व्यक्ति, एक दुखी आत्मा कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, तो यू हैव टू बी वेरी हैप्पी, आपको बिल्कुल हैप्पी रहना है। हैप्पी इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये सेंस है कि आपको ना खुश नहीं होना, आपको कंपैरिजन किसी से नहीं करना, आपको तुलना नहीं करना, आप जो हैं बेस्ट हैं, आपने जो पढ़ा है वही सब कुछ है, सब कुछ वही, वही खुदा है, वही ईश्वर है। और फिर जो है ये तो है ही, ऑल द बेस्ट, है ना। अच्छा वो आपने सुना होगा ना कि शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना होगा आपने, वो जो ओम शांति ओम में कहता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, है ना। तो सिर्फ रीट आपको दिखना है, अभी आप जब बिल्कुल मेहनत करेंगे, आपको कुछ और नहीं दिखे, तो जो कायनात है ना वो भी झुकेगा आपके आगे, और वो आपको रीट से मिलाएगा, है ना। तो कहते हैं ना कि जब तुम पूरी कोशिश करते हो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है ना। तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को रोकता हूँ, और वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा, और बिल्कुल अगले साल, नेक्स्ट साल आपके सारे स्टूडेंट्स आपको बोलेंगे हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रीड, और प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट।